तो कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम अंकित चावड़ा और आज बात करेंगे टाटा सफारी की। टाटा सफारी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एसयूवी रही है टाटा की, और टाटा इसे एक नए अवतार में लॉन्च करने वाला है, जिसकी आज पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ एंड तक और आपको हम इसके बारे में एवरीथिंग बताने वाले हैं। तो टाटा ने अनाउंस किया इसकी डेट फॉर हिज ऑल न्यू फ्लैगशिप एसयूवी की, जो कि है 26 जनवरी। इस कार को हम पहले भी देख चुके हैं ऑटो एक्सपो 2020 में, बट उस वक्त इसको ग्रेविटास के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि हैरियर के एक सक्सेसर बताई गई विद सिक्स सीटर ऑप्शन। ग्रेविटास के कंपेयर में बहुत ही माइनर से चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। टाटा सवारी का प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है टाटा ने अपने पुणे प्लांट में। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इसमें आपको 170 HP 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बोरो किया गया है हैरियर से, क्योंकि पेट्रोल का ऑप्शन नहीं दे रही है कंपनी। और इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। आपको ऑल न्यू टाटा सफारी में पैनारोमिक सनरूफ का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके एक्स शोरूम प्राइस की, तो वो आपका 15 से 22 लाख के बीच में रहने वाला है, और इसके लिए प्री बुकिंग्स आपकी जनवरी के एंड तक ओपन की जाएंगी। इंटीरियर की बात करें तो आपको इंटीरियर मोस्ट ऑफ हैरियर की तरह देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले का साइज़ थोड़ा बड़ा किया जाएगा। अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि टाटा सफारी हैरियर की एक अपडेटेड वर्जन है, जिसमें कि आपको 7 सीटर ऑप्शन मिल जाता है। थर्ड रो सीट्स इंट्रोड्यूस की गई हैं इसमें, जिससे कि इसकी लेंथ लंबी हो गई है, और अगर आप उन्हें फोल्ड कर देते हैं तो आपको बूट स्पेस भी अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा, और ओवरऑल फील कैबिन की प्रीमियम फील होने वाली है। और टाटा सवारी आपकी हैरियर से 63 mm लॉन्गर और 80 mm टॉलर होने वाली है। और हम बात करें अगर इसके सी पिलर की, तो उसमें आपको डिज़ाइन में थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। टाटा सफारी के रियर डिज़ाइन की बात करें तो वो कम्प्लीटली न्यू है। अगर हैरियर से कंपेयर करें तो टेल लाइट्स आपकी बार नई डिज़ाइन की दी गई हैं, और ऑल न्यू टाटा सफारी आपकी कॉम्पीट करेगी MG हेक्टर प्लस, महिंद्रा की करंट जनरेशन XUV 500, और लेटर ऑन इसकी नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा XUV 500 एंड न्यू हुंडई 7 सीटर क्रेटा SUV से। तो आपको टाटा सफारी का नया अवतार कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।